मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जो पढ़े पिछले वीडियो थे उसमें हमने एक्सरसाइज 7 के क्वेश्चन किए थे, जिनमें हमने सीधा अक्ष सापेक्ष अवकलन किया था, लोग लेके भी अक्ष सापेक्ष अवकलन किया था, कुछ अवकल समीकरण थी वो सिद्ध भी किया था। हमने क्वेश्चन 15 का ए पार्ट कर लिया, क्वेश्चन 15 का बी पार्ट अपने को दिया हुआ है। यदि वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स बटा रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तब सिद्ध कीजिए कि वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू बराबर थ्री एक्स वाई वन माइनस वाई। ये चीज़ अपने को सिद्ध करनी है। तो मैं आपको बता दूं कि वाई वन का मतलब होता है डी वाई बटा डी एक्स, और वाई टू का मतलब होता है डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। अपने क्या करना है ये करके इस अवकल समीकरण की याद करना है। तो देखो, इस अवकल समीकरण में एक बार और दो बार अवकलन है, तो हम दिए गए को एक बार और दो बार अवकल दिया। सबसे पहले गीवन दैट जो फलन अपने को दिया, तो फलन दिया अपने को वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स बटा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका समीकरण नंबर दे देते हैं एक, तो करते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का अवकलन हो गया y1 बराबर, अब होगा u बटा v c। अब u बटा v क्या कहता है कि अंडर रूट के नीचे वाला कांस्टेंट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर वाले का अवकलन साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है एक बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस ऊपर वाला कांस्टेंट और नीचे वाले का अवकलन, तो अंडर रूट का अवकलन होता है एक बट्टा दो अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब अंदर वाले का अवकलन करेंगे तो एक का तो हो गया जीरो, माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया टू एक्स। तो ये बन गया वाई वन बराबर, इससे आपका ये कट गया, तो एक ये माइनस और ये माइनस हो गया आपका प्लस, दो से दो कट गया, तो ये आ गया आपका x साइन इनवर्स x बटा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये पूरा आपका y है, इसके जगह हम क्या करेंगे y लिख देंगे। तो यहाँ से लिख देंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से, तो y वन। और देखो यहाँ हमने u कॉन्स्टेंट रखे v का कर दिया, और v का कॉन्स्टेंट रखे u का कर दिया, फिर बट्टा में हो रहता है नीचे वाले का होल स्क्वायर, यानी अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा वो बट्टा में आपका वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब वन माइनस एक्स स्क्वायर को ले आओ इधर, समीकरण एक का भी यूज कर लो, ये आ जाएगा आपका वन माइनस एक्स स्क्वायर बराबर वन प्लस, इस पूरे की जगह वाई लिख दिया, तो एक्स वाई। अब वापस करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें जो समीकरण सिद्ध करना है उसमें दो बार अवकलन करना है। तो पढ़े एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो पुनः अवकलन किया, अब ये होगा यू गुणा वी से। तो पहले हमने वन माइनस एक्स स्क्वायर को रखा कॉन्स्टेंट, वाई वन का हो जाएगा वाई टू प्लस, फिर हमने वाई वन को रखा कॉन्स्टेंट और वन का तो हो गया जीरो, माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया टू एक्स बराबर, फिर वन वन का हो गया जीरो प्लस। अब एक्स गुणा वाई है तो यू गुणा वी से, एक्स कॉन्स्टेंट रखा y का हो गया y1 प्लस y कॉन्स्टेंट रखा x का हो गया एक। यहाँ से ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू, देखो जो सिद्ध करना था उसमें ये बात उसी है, बाकी सबको लेके जाना उधर। और ये देखो 2xy1 उधर जाएगा, तो एक एक्स वाई वन पहले से है, तो ये हो गया आपका 3xy1, इधर आपका नेगेटिव था उधर जाते पॉजिटिव हो जाएगा, फिर प्लस, तो ये हो गया आपका प्लस वाई। और ये अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था, हैंस प्रूव। अब देखो हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमारा प्लस का वाई आ रहा है, लेकिन यहाँ अपने को दे रखा है माइनस का वाई, इसका मतलब क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, तो क्वेश्चन में यहाँ प्लस का वाई करना, क्योंकि इसको अगर हम चेक करेंगे तो अपना यहाँ तो प्लस का वाई ही आएगा।
इसलिए ये हो गया आपका। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित कलनों के लिए रोलेपर में सत्यापित कीजिए। इसमें पहला आपको दिया हुआ एफ एक्स बराबर एक्स माइनस दो अंडरूट एक्स और एक्स बिलोंग्स टू आपका जीरो से दो। तो आपने रोले फर्म की सत्यापितता की जांच कर सत्यता सिद्ध करनी है अपने को। तो देखो एफ एक्स पहला दिया हुआ अपने को एफ एक्स बराबर एक्स माइनस दो अंडरूट एक्स, तो रोले प्रमेय की सत्यता की जांच या सत्यापित कैसे करेंगे? तो वो देखो रोले प्रमेय में तीन शर्त होती है, पहले तो वो सतत होना चाहिए, दूसरी वो उसी अंतराल को छोटा कर दो, उसी छोटे अंतराल में आपका अवकलन होना चाहिए, फिर एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए, फिर एफ डे सी बराबर जीरो करके सी का हमारे अंतराल में आना चाहिए। इतनी सारी प्रोसेस करने के बाद में हम कहेंगे कि रोले प्रमेय सत्यापित होती है। तो पहले बात करते हैं सतत की, तो सतत की बात की सतत सीधा चेक करते हैं कि इस अंतराल में से इसमें मान रखते हैं कि मान कहीं अनंत तो नहीं आ रहा। देखो अनंत तब भी आता है जब बट्टा में एक्स हो, तो इस सवाल में बट्टा में एक्स नहीं, इसका मतलब ये फलन सतत है। सतत है बट्टा में एक्स नहीं होने की वजह से ये फलन आपका परिभाषित हो गया, और जो फलन परिभाषित होता है वो सतत भी होता है। तो इसके लिए तो हम सीधा लिख देंगे फलन एफ अंतराल जीरो से दो में परिभाषित है, इसलिए फलन एफ अंतराल जीरो से दो में सतत है। अब देखो सतत की बात कर ली हमने, अब बात करते हैं अवकलनीय। अवकलन की बात करेंगे तो हमें इसका अवकलन ज्ञात करना पड़ेगा, तो इसका अवकलन ज्ञात करेंगे तो इसका अवकलन हो जाएगा यू गुणा वी सी। देखो एक्स माइनस दो को कॉन्स्टेंट छोड़ा, इधर आपका एफ एक्स का एफ डे सिक्स आ गया, अंडरूट का हो गया एक बट्टा दो अंडरूट एक्स, फिर प्लस अंडरूट एक्स ऐसे रहा, इस एक्स का हो गया एक माइनस इसका हो गया जीरो। तो ये आंसर आया आपका। अब हम इसमें लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम आएगा आपका टू अंडरूट एक्स, तो यहाँ से आया एक्स माइनस दो, अब ये दोनों इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का टू एक्स हो जाएगा, अंडरूट अंडरूट हो गया, तो आपका थ्री एक्स माइनस टू बटा टू अंडरूट एक्स आ गया। अब ये उकलत आ गया थ्री एक्स माइनस टू बटा टू अंडरूट एक्स। अब इसमें देखो बट्टा में एक्स आ गया तो एक्स का जीरो रखती है, पूरा मान अनंत हो जाएगा, लेकिन अपने पास अंतराल है जीरो से टू, उसको छोटा उकलने की बात करते हैं, जब छोटा कोष्टक आता है छोटे कोष्टक में जीरो शामिल नहीं है। अब जीरो शामिल नहीं है इसका मतलब ये भी परिभाषित हो गया, अवकलज भी परिभाषित होती है, ये फलन क्या हो गया आपका अवकलन ही हो गया। तो कैसे लिखोगे? फलन एफ का अवकलज वो आपका थ्री एक्स माइनस टू बटा दो अंडरूट एक्स अंतराल जीरो से दो में परिभाषित है, इसलिए फलन एफ अंतराल जीरो से दो में अवकलनीय है। अब अवकलन की बात होगी, अब तीसरी बात है आपकी एफ ए बराबर एफ बी की। तो एफ ए का मतलब ये होता है, बी का मतलब ये होता है, तो एक की जगह जीरो दिया बी की जगह दो दिया होता है, एफ जीरो निकालेंगे पहले। जैसे इसमें जीरो रुका तो जीरो माइनस दो अंडरूट एक्स से जीरो आ गया, तो सारा ही मान कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब हम एफ बी निकालते हैं, तो आपका एफ बी की जगह तो एफ दो बराबर ये था आपका एक्स माइनस दो यानी दो माइनस दो और अंडरूट, तो दो माइनस दो ये कितना हो गया आपका
जीरो हो गया। इसका मतलब ये हुआ आपकी आपका एफ जीरो बराबर एफ दो और